हेलो भैया, इंडिया में प्ले स्टोर के ऊपर पबजी मोबाइल लॉन्च होने का बाद से इंडिया में जो मोबाइल का गेमिंग का डेफिनेशन कंप्लीट चेंज हो चुका है। एक टाइम था जब आपको मोबाइल का गेम का साइज 200 MB 300 MB का मैक्सिमम साइज देखने को मिलता था, बड़ा बड़ा गेम। बट आज के दिन में अगर देखोगे पबजी मोबाइल लॉन्च होने का बाद से काफी गेम आपको 2 GB 3 GB का भी देखने को मिल जाएगा। तो आज के दिन में जाकर जो मोबाइल का गेमिंग का डेफिनेशन वो कंप्लीट चेंज हो चुका है। और एक चीज नोटिस करना चीज है, अगर देखेंगे हर एक कंपनी जो कंप्यूटर गेम है कंप्यूटर गेम को पोर्ट करके मोबाइल में ले आ रहा है, मतलब मोबाइल के अंदर कंप्यूटर गेम आपको खेलने को देखने को मिल जा रहा है। तो इस टाइम में जाकर क्या हो रहा है, काफी कंपनी जैसा आपको मॉडल कॉम्बैक जो है मॉडल कॉम्बैक देखने को मिल रहा है, कॉल ऑफ ड्यूटी जो काफी जल्दी लॉन्च होने वाली है उसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है, उसके साथ अगर एपेक्स लेजेंड देखोगे जिसका भी पोर्ट हो रहा है वो भी बहुत जल्द आने वाली है, उसके साथ आपको फोर्टनाइट भी देखने को मिल रहा है। तो इस तरह का काफी गेम आने वाली टाइम में भी आपको पोर्ट होने देखने को मिलेगा मोबाइल के लिए। और इसको देखते हुए काफी कंपनी क्या कर रहा है, उसका जो गेमिंग फोन नाम का एक सेगमेंट लॉन्च कर रहा है जिसमें आपको गेमिंग स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा। इस तरह है आसुस का रोग फोन, आरओजी फोन, ऐसा ही आपको ब्लैक शार्क देखने को मिलेगा साउमी की तरफ से। इस तरह का काफी फोन है जैसा रूमबिया का रेड मैजिक, ये सब फोन। बट ये सब फोन का जो प्राइस है वो काफी फ्लैगशिप प्राइस के अंदर आता है। बट इंडिया में जो प्राइस के अंदर सबसे ज्यादा सेल होता है वो है अंडर 20K। बट इस प्राइस रेंज के अंदर भी अगर आप सबसे ज्यादा नोटिस करेंगे 10K से 15K मतलब 10,000 11,000 13,000 15,000 रुपए के अंदर जो सब फोन लॉन्च होता है वो सबसे ज्यादा आपको सेल होने देखने को मिलेगा। तो आज आपको ये वीडियो में अंडर 10K सबसे बेस्ट फोन जो आपको ओवरऑल काफी अच्छे गेमिंग कर देगा, डे टू डे में काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगा, ये सब फोन आपको देने वाला हो। तो बेसिकली ये वीडियो में आपको टॉप 10,000 के अंदर बेस्ट गेमिंग फोन आपको ये वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हो। तो क्या करना है, वीडियो कंप्लीट देखते रहना। तो चलो वीडियो में शुरू करते हैं। तो वीडियो का मेन टॉपिक में पहले जाने के लिए टेक7 चैनल से मैं सम्राट, आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो का लास्ट तक मेरा साथ ही रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो में प्लीज एक लाइक दे देना, और उसके साथ इसको रिगार्डिंग कुछ भी जानना है कमेंट करना, आप लोग का कमेंट का मैं 100% सबसे पहले आंसर देने का ट्राई करूंगा। और जो लोग मेरा डेली व्यूअर्स है किसी तरह कमेंट करने पर तुम लोग जानते हो मैं सबसे ट्राई करूंगा सबसे पहले आप लोगों का आंसर देने का। और अगर चैनल में नया हो चैनल सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको दबा देना, इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। अगर पहले से सब्सक्राइब है तो थैंक यू। तो आते हैं वीडियो का मेन टॉपिक में। तो ये जो आपको लिस्ट दूंगा इस फोन में, तो इधर कोई चीज जो है इसके ऊपर प्रायोरिटी का बेस करके जो चीज स्पेसिफिकेशन है इसको लिस्ट बनाया गया, उसका सबसे पहला जो प्रायोरिटी है वो सबसे पहला पॉजिशन है, सेकंड जो है वो बैटरी, थर्ड जो है उसका डिस्प्ले, फोर्थ जो है उसका कैमरा, और अदरवाइज जो सब स्पेसिफिकेशन है ये। तो हम लोग का लिस्ट में सबसे पहला जो फोन आ रहा है वो मोटोरोला की तरफ से आ रहा है, मोटोरोला की मोटो वन पावर, जो फोन आपको 11,000 रुपए के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग बोल सकते हैं 11,000 की 10,000 रुपए आप बोला था, बट ये सब फोन अगर देखेंगे 11,000 में ये सबसे अच्छा आपको वैल्यू तो प्रोवाइड करेगा ही। उसके साथ अगर आप नोटिस करोगे फ्लिपकार्ट अमेजन में हर एक टाइम कुछ ना कुछ कार्ड जो है कार्ड के ऊपर ऑफर चलता है, तो अगर आप कार्ड से पे करोगे तो आपको और भी छूट देखने को मिलेगा ये सब फोन में 5% 10%, तो आपको ओवरऑल एक ग्रेट डील भी मिल जाएगा। तो इसके लिए मैं 11,000 मैक्सिमम आपको इस लिस्ट में देखने को मिल जाएगा। तो आते हैं मोटो वन पावर की स्पेसिफिकेशन में, इधर आपको 6.2 इंच का फुल एचडी प्लस नॉच दिया एक डिस्प्ले देखने को मिलेगा, नॉच वाला डिस्प्ले मतलब है जो पुराना वाला नॉच है वो देखने को मिल जाएगा। प्रोसेसर की बात किया जाए तो स्नैपड्रैगन का 636 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो एक लीजेंडरी प्रोसेसर मैं मानता हूँ, क्योंकि ये जो है ये प्रोसेसर आपको ओवरऑल आपको ग्रेट परफॉर्मेंस गेमिंग में देखने को मिलेगा। पबजी की तरह गेम में आपको एचडी परफॉर्मेंस तो आराम से मिलेगा, अगर सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन किया जाए तो इधर एचडीआर भी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है देखा गया। और उसके साथ ओवरऑल डेली टास्क में आपको किसी तरह हैंग लैग तो देखने को नहीं मिलेगा, आप वो सब भूल जाओ। और उसके साथ इधर आपको 5000 mAh की मैसिव बैटरी देखने को मिल जाएगा इधर, तो उसके साथ क्विक चार्ज भी सपोर्ट देखने को मिलेगा, मतलब आपको बैटरी को लेकर सोचना नहीं है गेम खेलने का टाइम, आप जो भी गेम खेलो आराम से आंख बंद करके खेल सकते हो। उसके साथ कैमरा की बात किया जाए, पीछे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा अगर आपको फोटोग्राफी करना है, 16 MP का प्राइमरी सेंसर f1.7 एपर्चर के साथ, उसके साथ सेकेंडरी 5 MP का डेप्थ सेंसिंग सेंसर। और उसके साथ फ्रंट की बात किया जाए तो फ्रंट में आपको 12 MP का f2.0 एपर्चर के साथ एक कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो ये था पहला फोन, जिस फोन अगर आप लेंगे 11,000 के अंदर, नहीं तो कार्ड पे करके कार्ड से पे करेंगे तो आपको और भी कम मिल जाएगा, तो आपको सबसे अच्छा डील मिलेगा। सेकेंड
सेकेंड जो फोन है हम लोग का लिस्ट में वो है रियलमी की तरफ से, रियलमी की तरफ से रियलमी 2 प्रो। तो रियलमी 2 प्रो है जो है काफ़ी सेलिंग फोन है रियलमी का, काफ़ी अच्छा फोन भी है। इस फोन का अगर देखा जाए तो इस फोन का भी प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 660 और इधर अगर डिस्प्ले की बात किया जाए तो 6.3 इंच का वाटर ड्रॉप नॉच दिया हुआ एक डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास स्पीकर प्रोटेक्शन फुल एचडी प्लस डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा है, प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा है। इधर आपको 3500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगा। हाँ, ये एक ही ड्रॉबैक है ये फोन का, बट अगर आप 3500 mAh के बैटरी की पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस बैटरी का वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। और एक बार अगर गेम खेलोगे फुल चार्ज देकर तो आपको 3 आवर्स से लेकर 4 आवर्स का आसपास तक आपको बैटरी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, डिपेंड ऑन गेम। पबजी में आपको 3 आवर्स से लेकर 3.5 आवर्स तक आराम से देखने को मिला है ये फोन का अंदर। तो आपको ये फोन मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। इसका कैमरा बात किया जाए तो इधर आपको पीछे में 2 कैमरा देखने को मिलेगा, डुअल कैमरा 16+2 मेगापिक्सल का, और लो लाइट में ओवरऑल आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। फ्रंट में भी आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा, जो आपको अगर आप ये फोन से लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन 660 की प्रोसेसर के साथ। तो ये फोन 11,000 के अंदर मेरा लग रहा है और एक बेस्ट फोन है। जो मोटो 1 पावर में एक चीज़ कमियाँ है वो प्रोसेसर है 636, वो भी काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, बट 660 और भी अच्छा है। और इधर आपको बैटरी लो मिलेगा और मोटो 1 पावर में आपको बैटरी हाई मिलेगा। तो आप कोई भी एक फ़ोन ले सकते हैं। हम लोग का लिस्ट में जो थर्ड फोन है वो आ रहा है आसूस की तरफ से, आसूस का आ रहा है जेनफोन मैक्स प्रो M1। तो आसूस का जेनफोन मैक्स प्रो M1 जो सबसे सेल हुआ फोन और रेडमी का नोट 5 प्रो के साथ कॉम्पीट करने वाली फ़ोन था। तो ये फ़ोन अगर देखोगे ये फ़ोन भी आपको काफ़ी अच्छा डील आज के दिन में प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब ये फ़ोन आपको 9000 रुपये के अंदर 4+64 GB का वेरियंट देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन 636 प्रोसेसर के साथ। तो ये फ़ोन भी अगर आप ले सकते हो, बट ये फ़ोन का प्राइस लो है, बट इसका एक ही प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर का जो गेमिंग परफॉर्मेंस उसमें कोई परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसका जो सॉफ्टवेयर के लिए जो बैटरी ड्रेनिंग है वो आपको ज़्यादा देखने को थोड़ा मिलता है। मतलब इधर अगर आप 5000 mAh के बैटरी की पर्सपेक्टिव से देखोगे तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है, बट 4000 mAh से अच्छा परफॉर्मेंस करता है बैटरी। तो इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन 636 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, 6 इंच का एक डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, फुल HD प्लस डिस्प्ले, 12+5 मेगापिक्सल का पीछे कैमरा एंड फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। तो यह है ओवरऑल परफॉर्मेंस का रेशियो ये फ़ोन का। ये फ़ोन से अगर आप देखेंगे गेम खेलने का टाइम आपको काफ़ी अच्छा ओवरऑल गेम का परफॉर्मेंस मिल जाएगा, तो आप ये फ़ोन कंसीडर कर सकते हैं अगर आपका टाइट बजट है तो। और इस लिस्ट में हम लोग का लास्ट में जो फ़ोन आपको बोलूँगा वो है ऑनर की तरफ से। ऑनर की ये फ़ोन आ रहा है 8000 के, और अगर आपका बजट काफ़ी चीप है मतलब 8000 से ऊपर आप नहीं जा सकते तो ये है वन ऑफ द बेस्ट डील। ये है ऑनर का 8C। ऑनर का 8C अगर देखोगे तो आपको 632 की तरफ प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, उसके साथ 6.2 इंच का एक HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, और 632 की तरफ प्रोसेसर के साथ 4000 mAh का जो बैटरी है वो देखने को मिल जाएगा। तो आपको जो परफॉर्मेंस है बैटरी का वो और भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि इधर आपको फोन का जो पिक्सल डेंसिटी वो लो होने पर क्या होता है आपका चार्ज का परफॉर्मेंस अच्छा मिल जाएगा। 632 जो प्रोसेसर है ये स्नैपड्रैगन 630 एंड 636 का बीच में करता है, और इसका अगर बेंचमार्क देखोगे 1,00,000, 2,000, 1,04,000 की आसपास आपको बेंचमार्क परफॉर्मेंस एंटीटू में देखने को मिलता है एंटीटू में। और उसका साथ अगर स्नैपड्रैगन 636 का देखोगे 1,12,000, 13,000, 14,000 की अंदर उसका परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है इसमें भी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा 8,000 रुपये के अंदर। तो आप ये फोन कंसीडर कर सकते हैं 4+64 GB का वेरियंस के साथ। और इधर अगर कैमरा की बात किया जाए पीछे आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा, जिसका अपर्चर F1.7, उसका साथ सेकेंडरी डेप्थ सेंसिंग है 2 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा। तो आप ये भी चूज कर सकते हैं। और उसका सर लास्ट में आ रहा है और एक लीजेंडरी फोन, ये भी कंसीडर कर सकते हैं, बट इसका प्राइस हाई है, वो है 12,000, वो है Redmi Note 7। तो Redmi Note 7 जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस फोन वीडियो उस फोन का ही बोल रहा हूँ, काफ़ी अच्छा फोन है, ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा, काफ़ी अच्छा बिल्ड क्वालिटी, ग्रेट लुकिंग सब कुछ लेकर ये फोन ले सकते हैं 12,000 रुपये में, अभी सिर्फ MI.com में मिल रहा है। तो आपको ये फोन लेने के लिए MI.com से बाय करना पड़ेगा, और अगर कार्ड से बाय करोगे तो ये 11,000 के अंदर आपको आ जाएगा। 4000 mAh की बैटरी, 6.2 इंच का
वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आ रहा है, उसके साथ स्नैपड्रैगन 660 की तरह प्रोसेसर, 12+2 MP का पीछे कैमरा, सामने 13 MP कैमरा, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, सब कुछ है। तो ये फोन भी आप कंसीडर कर सकते हो गेम खेलने का टाइम। तो ओवरऑल जो पांच आपको फोन इधर आपको प्रोवाइड किया, ये पांच फोन अगर आप बाय करोगे किसी ना किसी, तो आपको सबसे अच्छा डील इस प्राइस के अंदर गेमिंग के ऊपर मिल जाएगा, क्योंकि गेमिंग के टाइम जो परफॉर्मेंस चाहिए वो सबसे अच्छा प्रोसेसर की होना चाहिए। तो मैं सबसे ज्यादा प्रोसेसर के ऊपर ही इधर फोकस किया, किसी तरह कैमरा का ऊपर फोकस नहीं किया। तो अगर आपका प्रोसेसर अच्छा है, बैटरी अच्छा है, तो आपको जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छा हो जाएगा। तो इस लिस्ट में ये सब फोन आपको देखने को मिलेगा। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगने पर क्या करना है तो पता है, वीडियो लाइक देना है, और उसके साथ इसको रिगार्डिंग कुछ भी जानना है तो नीचे कमेंट करना, क्योंकि आप लोग कमेंट का मैं 100% सबसे आंसर दूंगा, और मैं और कैसे इंप्रूव कर सकता हूं वो भी आप लोग बताए कमेंट से, तो मेरा और भी इंप्रूव कर पाऊंगा वीडियो का क्वालिटी। और अगर चैनल में नया है तो चैनल सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको दबा देना, इस तरह का वीडियो फ्यूचर में मिलने के लिए। और अगर पहले से सब्सक्राइब है तो थैंक यू, और वीडियो शेयर करो फ्रेंड, कॉलिंग मेंबर, फैमिली मेंबर के साथ। फिर एक नया वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे सेफ, टाटा बाय बाय।